नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज के बुलेटिन कुछ इस प्रकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ यह कहा कि मैं आशा करता हूं भगवान राम के गुण हम सबके जीवन में आए और हम इस महामारी से लड़ सके। बाढ़ NTCP ने अपने संविदा कर्मचारियों को राहत सामग्री प्रदान करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के आदेश के बाद 1000 संविदा कर्मचारियों को राहत फूड प्रदान किया जा रहा है। लॉकडाउन के परिस्थिति में संविदा कर्मचारियों के सक्षम दाने के लाड़े पड़े हुए हैं। ऐसे में बाढ़ NTCC के अधिकारियों ने आगे बढ़कर संविदा कर्मचारियों को हर संभव सहयोग का आगाज किया है। राहत फूड वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। संविदा कर्मचारियों में राहत फूड पाकर खुशी का आलम दिख रहा है। बोकारो CCL का थार महाप्रबंधक महेंद्र कुमार पंजाबी कोरोना वायरस को बचाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। महाप्रबंधन अपने आवास से लेकर कार्यालय तक स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी निर्देश का सख्ती से पालन करते हुए नजर आए। वहीं अपने कार्यस्थल पर अधिकारियों सहित सहकर्मियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए संविधानी सहित सोशल डिस्टेंसिंग बताने के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सावधानी कम लापरवाही ज्यादा बरती जा रही है। बता दें कि जब कथार महाप्रबंधन कार्यालय से सभागार में महेंद्र कुमार पंजाबी अपने कुछ अधिकारियों के साथ CCL के CMD गोपाल सिंह के साथ वीडियो लाइन पर थे, वहीं अपने अधिकारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्य कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके कार्यालय कक्ष में उप महाप्रबंधक संजीव कुमार द्वारा इस वर्ष अधिक उत्पादन होने की खुशी का इजहार करते हुए समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। वहीं उपस्थित सब कुछ मंत्रियों ने इस विषय पर सवाल भी उठाया, लेकिन अनदेखी कर दी गई। इस संबंध में जब संजीव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने तस्वीरें दिखाई तो उस पर यह बिना कुछ कहे ही वहां से चल पड़े। भोजपुर के भालोईपुर मोहल्ले के एक घर में सुबह तेज धमाका हुआ जिससे घर के पछड़के उड़ गए। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सील कर दिया है। हालांकि घर में घायल मालिक ने कहा कि सिलेंडर फटने के कारण धमाका हुआ, लेकिन पड़ोस के दीवार गिरने से घायल महिला के पुत्र ने बम ब्लास्ट होने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।